सो so, हमने नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर कवर किया है दैट इज मोशन तो आज हम उसके फार्मूलाज पढ़ेंगे ऑन अ सिंगल शीट तो सबसे पहला फार्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है दैट इज अबाउट स्पीड स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन कितना डिस्टेंस कवर किया है जर्नी में और कितना टाइम उसको लगा है उसको कंप्लीट करने के लिए तो वो हमने स्पीड के बारे में पढ़ा इसकी यूनिट्स क्या होती हैं मीटर पर सेकेंड सेकेंड चीज़ हमने क्या पढ़ा अबाउट विलासिटी विलासिटी क्या होती है सेम एज दैट ऑफ स्पीड बस हम डिस्टेंस की जगह पे क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वाइट बाय टाइम टेकन और यूनिट्स इसकी बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ स्पीड नेक्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा अबाउट एक्सलेशन एक्सलेशन क्या होती है दैट इज फाइनल विलॉसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन तो फाइनल विलॉसिटी हमारी क्या होती है वी और इनिशियल विलॉसिटी क्या है यू तो टाइम आ जाएगा तो एक्सलेशन का फार्मूला ये आता है और इसकी यूनिट्स क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड्स के फोर्थ फार्मूला हमने पढ़ा एवरेज स्पीड के बारे में एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस पूरी जर्नी में कितना टोटल डिस्टेंस लगा है बाय टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका भी यूनिट्स क्या होती है मीटर पर सेकेंड बिकॉज स्पीड है देन आफ्टर दैट फिफ्थ फार्मूला जो हमने पढ़ा है दैट इज अबाउट एवरेज विलोसिटी एवरेज विलोसिटी में हमारे पास जो आता है इसके दो फार्मूलाज हैं पहला फार्मूला तो यही आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी पूरी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रखी है पूरी कंप्लीट जर्नी में एंड देन आफ्टर दैट टोटल टाइम टेकन और यहां पे इसकी यूनिट्स भी सेव आती है मीटर पर सेकेंड दूसरा इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अर्थमेटिक मीन हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को प्लस करना है डिवाइडेड बाय टू ये क्या है अर्थमेटिक मीन ऑफ विलॉसिटीज ये दोनों फार्मूलाज हमें याद रखने हैं इन केस ऑफ एवरेज विलॉसिटी देन आफ्टर दैट हमने क्या किया हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पड़ी थी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने ये ध्यान दिया था कि अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर हमें विलासिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे स्लोप फाइंड कर लेंगे ग्राफ का कैसे कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ली और मैंने ये दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए यहां पे, पे पेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे पेंडिकुलर ड्रॉ किया देन यहाँ पे और यहां पे ये यह हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे y2 ये y1 और ये x1 ये x2 तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये हमने विलासिटी के बारे में पढ़ा देन आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम विलासटी टाइम ग्राफ तो हम क्या फाइंड करेंगे हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लेंगे कोई भी ग्राफ है उसके अंडर कितना एरिया आ रहा है वो हम फाइंड कर लेंगे जैसे ये एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर मैंने ये ट्राइंगल ले लिया है इसके अंदर जो एरिया आएगा वो क्या आएगा कंप्लीट ट्राइंगल तो वहां पे हम क्या कर लेंगे इसका एरिया फाइंड कर लेंगे दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एर्थ फार्मूला जो हमने पढ़ा है दैट इज अबाउट एक्सेलेशन अगर एक्सलेशन हमें टाइम ग्राफ से फाइंड करनी है तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे जस्ट यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करना है बट ग्राफ कौन सा होना चाहिए विलॉसटी टाइम ग्राफ तो वहां पे हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे हमने विलॉसिटी ली है यहाँ पे हमने टाइम ले लिया है तो यहाँ पे अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है और दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो ये पॉइंट दिस वन पर पेंडिकुलर दिस वन और दिस वन ये वाई वन आएगा ये वाई टू आ जाएगा और ये टी वन आएगा ये टी टू आएगा ये भी लिख सकते हो अगर आपको इसको इन टर्म्स ऑफ इलासिटी लिखना है तो आप ये तर, ये भी लिख सकते हो आई होप दिस थिंग इज क्लियर देन आफ्टर दैट हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे वो थे अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने तीन फार्मूलाज ड्रॉ किए थे दीज आर द इक्वेश ऑफ मोशन फर्स्ट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देन आफ्टर दैट वी स्केयर माइनस यू स्केर इज इक्वल टू टू एस and last one is s is equal to ut plus half at square so this is, the, this is the formulas which we have to know to solve the numericals of chapter motion if you want you can take a screenshot of this and last one this